हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं पुटेट 2021 के बारे में। आज हम इस स्टूडियो में PUTHET 2021 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ पुटेट 2021 का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर पुटेट 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई भी न्यूज़ आती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं पुटेट 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा गाइस, आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो google.com ओपन कर लेना है, और google.com ओपन करते ही वहाँ पे आपको सर्च करना होगा पुटेट 2021 और उसके आगे लिखना होगा cet.co.in। अब आप लोगों का गाइस cet.co.in लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आप सिंपली एक क्लिक से अपना पुटेट के बारे में कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। उसी के साथ ये जो वेबसाइट है cet.co.in, वो जो है पुटेट की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ भी डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती है, तो आपको सिंपली इसे जो है गूगल में सर्च कर लेना होगा। अब जैसे आप इसे गूगल में सर्च करेंगे गाइस, तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहला रिजल्ट आपको गूगल में दिखा दे रहा है, आपको उसे क्लिक करके उसे ओपन कर देना होगा। अब जैसे आप उसे ओपन करते हो, उसे क्लिक करके, तो आपके सामने जो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो वहाँ पे। तो क्या इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों की स्क्रीन पर अच्छी तरह से उसे दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे जो है पुटेट 2021 का जो है फुल फॉर्म यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो है पुटेट का फुल फॉर्म है। उसी के साथ गाइस, ये जो पुटेट एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, और पंजाब यूनिवर्सिटी का ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने का मेन एम, मेन मोटिव ये है कि जो भी स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है, जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को जो है क्वालिफाई करते हैं, तो उन्हें जो है BHMCT यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, और उसी के साथ बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट BTTM कोर्स में एडमिशन मिल सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। चलिए अब हम और डिटेल में जानना शुरू करते हैं इसके बारे में। लाइक सबसे पहले हम यहाँ पे जो है पुटेट 2021 हाईलाइट्स के बारे में देख लेते हैं। लाइक इसका फुल फॉर्म ने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया, पंजाब यूनिवर्सिटी टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। बात करेंगे टाइप ऑफ एग्जाम की, तो PG लेवल है, लेवल ऑफ एग्जाम स्टेट लेवल है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं, सब मैनेजमेंट के कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी PU यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी खुद ही इसकी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। अब बात करेंगे मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन मोड में रिलीज होता है, उसी तरह से एग्जाम जो ऑफलाइन मोड में होगा पेन पेपर बेस आप लोगों का एग्जाम होगा। टोटल 90 मिनट्स यानी कि 1 hour 30 minutes आपको दिए जाएंगे, 1 hour 30 minutes में आपको पूरा पेपर जो है आपका कंप्लीट करना होगा। लास्टली आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड करा दी गई है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्विक लिंक्स के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे जितनी भी क्विक लिंक्स दिखाई दे रही है आपको, ये सारी की सारी क्विक लिंक्स मैं आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो सिंपली उसके सामने दी हुई लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। अब बात करेंगे हम एग्जाम डेट्स के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में रिलीज हो जाएगा, एप्लीकेशन फी सबमिशन अप्रैल में है। उसी तरह से यहाँ पे हर एक इवेंट की डेट्स यहाँ पे दी गई है, फुल हर एक इवेंट की डेट्स यहाँ से डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं यहाँ पे आके, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी, वहाँ से आप सिंपली डिस्क्रिप्शन पे लिंक में क्लिक करके यहाँ पे आके हर एक डिटेल मैनुअली भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फी की। सो गाइस, पुटेट 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट को फेस होते हैं। लाइक कई सालों को नहीं पता होता किस साइज और किस फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना होता है, तो किसी भी साइज और किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर देते हैं, जिस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है, क्योंकि हम आगे जो है PUTHET पुटेट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें हम आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा किस तरह से फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट किस साइज में और किस फॉर्म में आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना है। तो मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करने में।
सो गाइस, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2100 रुपीज़ है जनरल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए और 1050 रुपीज़ है रिजर्व कास्ट कैंडिडेट के लिए। आप लोगों को जो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे भरने का जो तरीका भी बता दिया कि आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी डायरेक्टली SBI ब्रांच के थ्रू जो है चालान जनरेट कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ जो एप्लीकेशन फ़ी और नॉन रिफंडेबल, यानी कि अगर आप एक बार एप्लीकेशन फ़ी फिल कर भर देते हैं तो उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी रिफंड नहीं की जाएगी। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो गाइस, 2021 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी होगी। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते तो आप इस एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइस, इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से सिंपली आप डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं, हर एक चीज़ आप वहाँ से जान पाएंगे। लाइक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया बता दिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स दे दी गई है। लाइक आप HSC पास है नीचे किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा, फॉर एग्जांपल CBSE, ICSE और कोई भी स्टेट बोर्ड रहेगा तो भी चलेगा। मिनिमम मार्क्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बता दिया है। अपेयरिंग कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे हर एक डिटेल्स दे दी गई है, यानी कि यहाँ पे आप फुल कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो गाइस, टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज जो आप लोगों को पूछी जाएगी वो 100 है, यानी कि पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के टोटल चार ऑप्शन रहेंगे। चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आपको सिंपली उस पर टिक करना होगा। टोटल 1 hour 30 minutes का आपको टाइम दिया जाएगा, 1 hour 30 minutes में पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना होगा। अब मार्किंग स्कीम की बात की जाएगा तो यहाँ पे हर एक सही आंसर पे आप लोगों को 1 mark अवार्ड दिए जाएंगे और हर एक गलत आंसर के लिए आप लोगों के 0.25 marks जो है डिडक्ट किए जाएंगे। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो है सब्जेक्ट्स बता दिए, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया गया है। लाइक इंग्लिश एप्टीट्यूड से 30 questions पूछेंगे, करंट अफेयर्स में से 20 questions, रीजनिंग एबिलिटी में से 20 questions और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री अवेयरनेस में से आपको टोटल 30 questions पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात की जाए सिलेबस की, तो क्या सिलेबस आप जो डायरेक्टली जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल डिटेल सिलेबस एक्सप्लेन चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं एक सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें फुल डिटेल सिलेबस जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें बताए जाएंगे। साथ ही आपको जो डिस्क्रिप्शन में PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा सिलेबस का, जहाँ से सिंपली एक क्लिक से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। बात करेंगे एडमिट कार्ड के बारे में। सो गाइस, पूछा 2021 का जो एडमिट कार्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो तो आपके पास उसका एडमिट कार्ड होना जरूरी है, वरना आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, इनफैक्ट एग्ज़ाम सेंटर में भी नहीं लिया जाएगा। सो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है एडमिट कार्ड अच्छी तरह से डाउनलोड करना है, उसके 3 से 4 printout अपने पास जो है संभाल के रखने होंगे, और एडमिट कार्ड में बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड भी कराई हुई रहती है। लाइक आपका जो है नाम, आपका जो सिग्नेचर रहेगा, फोटोग्राफ रहता है, उसी के साथ आपकी जो है एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल्स प्रोवाइड कराई हुई रहती है। लाइक एग्जाम सेंटर का एड्रेस रहता है, टाइमिंग रहता है, बहुत सारी डिटेल्स उसमें दी हुई रहती है। अब बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। सो क्या रिजल्ट चेक करने के लिए जो स्टूडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट किया हुआ रहता है, सो आपके लिए आपको सबसे सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा के रखना होगा, ताकि जैसे ही पूछा 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं हम आपको तुरंत जो है नोटिफाई कर देंगे, आपको बता देंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें सिंपली एक क्लिक के थ्रू आप आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। सो गाइस, आई होप कि भी आप लोगों को जो है पूछा 2021 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट, कोई भी इशू नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है और कोई भी इशू आप फेस करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो जो इन्फॉर्मेशन वाला रहा, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।